नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, कल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने वहतारी वंदन योजना को लेकर के, साथ ही 3100 रुपये धान खरीदी को लेकर के, जो अंतर की राशि बची हुई है 917 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, जो अंतर की राशि बची हुई है वह किसानों के खातों में कब से मिलने लगेंगे, इनको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। तो चलिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, विस्तार से जानकारी के लिए उन्हीं की वाणी में सुनते हैं। आज हम मुख्यमंत्री के नाते यहाँ पर आए हैं तो कई खुशखबरी भी लेके यहाँ पर आए हैं। एक तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए खुशखबरी है, कल के ही कैबिनेट बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी विवाहित माताएं बहनें हैं और चुनाव प्रचार के दौरान महतारी बंधन योजना का जिक्र हुआ था, तो कल के कैबिनेट में ही हम लोग निर्णय लिए हैं कि ऐसे सभी हमारी माता बहनों को अब साल का 12,000 रुपया उनके खाते में आएगा, ये हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। अब बहुत जल्दी उनके खाता में आएगा, इसलिए हमारी सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उसी तरह से कल के कैबिनेट में ही निर्णय लिए हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इधर भी तेंदुपत्ता होगा जिसको हरा सोना बोलते हैं, तो 4,000 प्रति मानक बोरा मिलता था, उसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा देने का निर्णय कल ही हम लोगों ने किया है, क्योंकि आने वाले समय में तेंदुपत्ता का सीजन आ रहा है, तो भी गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। दूसरा, मोदी की गारंटी में वादा था कि जो 2 साल का बोनस राशि जो बकाया था उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं उस दिन किसानों का 2 साल का बकाया बोनस देंगे। और आप सबको ये भी बताते हुए गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को ही हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3,716 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में हस्तांतरित करने का काम 25 दिसंबर को किया। तो दूसरा, ये हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में हम लोग सफल हुए हैं। हम अब 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदना शुरू हो गया है, अब तो अंतिम समय आ गया है, कल अंतिम समय था, लेकिन किसानों का बड़ा आग्रह था, बीच में छुट्टियां पड़ गई, बारिश हो गई, इस वजह से धान नहीं बेच पाए, तो किसानों के आग्रह पर 4 दिन हम लोगों ने धान खरीदी का समय बढ़ाया है, 4 फरवरी तक धान खरीदी होगा। और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की भी बात हुई थी और सभी किसानों को MSP जो समर्थन मूल्य है उसकी राशि मिल रहा है, 48 घंटे में ही उसकी भुगतान की व्यवस्था किए हैं। और जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि है, बहुत जल्दी एक मुश्त किसानों के खाते में ये भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी वादा हम लोगों ने मोदी की गारंटी में किया है आने वाले समय में पूरा करेंगे, चाहे वो आपका 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम हो, या जो भूमिहीन मजदूर हैं, किसान हैं, उनको सहयोग के रूप में 10,000 रुपया साल का देने की बात हो, तो कुल मिला के जो भी वादा हमारी पार्टी हमारी सरकार का मोदी की गारंटी में है, मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल में सभी को पूरा किया जाएगा।